आप तो नीतीश कुमार को साथ दिए थे अभी कुछ दिन पहले था, क्या बात कीजिएगा? अरे हम साथ दिया था जब आपकी नीयत बहुत अच्छा था, उस समय रामायण पढ़ते थे। अभी नीतीश जी जांच करा है कि वो शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं? कभी आबकारी विभाग सीएम आवास में छापा मारेगा वहाँ शराब है कि नहीं है, वो मारेगा गरीब के यहाँ। नीतीश जी के कभी मुँह में गया मशीन? 2 महीना पहले तक आप नीतीश कुमार का शराबबंदी का तारीफ कर रहे थे, इसके पहले मढ़ौरा में मौत हुई थी, 20 लोग मारे गए थे, उस समय आप कहाँ थे? तो संविदा वाला का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग को नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये मांग किससे कर रहे हैं आप? क्या हम सरकार से कर रहे हैं? जो सरकार मतलब क्या होता है? शराब से मौत हुआ है या हत्या हुआ है? हम उसको हत्या मानते हैं। बिना दारू पिए कोई के हिला के दिखा दे नीतीश कुमार। हाँ। जो जैसे कि पोस्टमार्टम करता है बिना दारू पिए नीतीश कुमार, उसे ऑपरेशन करवा के दिखा दे। इतना विपक्ष कमजोर पूरे देश में है, उतना ही विपक्ष कमजोर बिहार में है। सबसे बड़ा कारण ये, बिहार के लिए कोई नहीं सोच रहा है। बिहार मरे जिंदा रहे कोई नहीं, सबको अपना अपना मंत्रिमंडल, अपना अपना कुर्सी चाहिए। सीएम आवास में छापा मारिए, 7 बजे के बाद शराब नहीं मिलेगा, उसके बाद हम माने एक शराबबंदी है। अच्छी शराब बंद करके नकली शराब जहर पिलवा रहे हैं, गरीबों की हत्या कर रहे हैं। बिहार में कुछ लोग कर्ज लेके मर जा रहे हैं, कुछ लोग जहरीला शराब पी के मर जा रहे हैं और कुछ लोग बेरोजगारी के आड़ में मर रहे हैं। अभी यहाँ पे जहरीला शराब से जो मौत हुई है उसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ युवा जो हैं वो बेरोजगारी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कमाल की बात है कि बिहार पूरे दुनिया का इकलौता ऐसा राज्य है, सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का, जहाँ पे इंजीनियर भी बेरोजगार रहते हैं, जबकि इंजीनियर कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है। वो अपने टैलेंट के दम पे कहीं नहीं तो कहीं रोजगार ले ही लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंजीनियर लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो है छपरा में जो जहरीला शराब की वजह से मौत हुई है उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही साथ जो है कटिहार में जो नरसंहार हुआ है उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। और बिहार की राजधानी पटना के किसी भी जगह पर आप चले जाएँ वहाँ पर समस्या आपको दिखेगी। साथ ही साथ जो है हर दिन धरना प्रदर्शन, बंगला चौराहा पे जो है लाठी चार्ज, गर्दनी बाग में लोग बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या चीज़ का मांग है? हम लोग है जो BPSC असिस्टेंट इंजीनियर में 75% संविदा वाला को बेटेज दिया है, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है, BPSC लेता है 400 नंबर का, ठीक है, उसको क्या किया है ये लोग 75% में कन्वर्ट किया है 400 को, ठीक है। तो जो फ्रेशर लोग है और जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है उसको 400 में 75 में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम लोग 75 नंबर का एग्जाम देंगे। उसके बाद संविदा वाला को 25 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया है, तो अगर हम लोग 75 में 75 भी ले आते हैं और वो लोग 60 लाता है तो वो लोग का 85 हो जाएगा, हम लोग 75 में ही रह जाएंगे। तो संविदा वाला का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग को नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये मांग किससे कर रहे हैं आप? क्या हम सरकार से कर रहे हैं? जो सरकार मतलब क्या होता है? जो नियम लागू किया है तेजस्वी यादव और माननीय लागू किया है, जो लोग शराबबंदी के चक्कर में पड़े हुए हैं, शराब बंद किया जाए कि चालू किया जाए इस चक्कर में पड़े। आप लोग से जुड़े इसीलिए आप लोग, हम लोग का मुद्दा उठाइए और सरकार को कान में जाकर बोलिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सरकार के कान में सरकार सुनता है क्या? बिहार सरकार किसी की बात सुनता है क्या? आप सब बिहार सरकार किसी की बात नहीं सुनता है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो यहाँ धरना दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए धरना दे रहे हैं? हम धरना दे रहे हैं जो छपरा में शराब से हत्या हुआ है, और शराब से मौत हुआ है या हत्या हुआ है? हम उसको हत्या मानते हैं। अच्छा, उस हत्या के लिए दोषी कौन है? बिहार का नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, हाँ, कैसे दोषी है वो? इसलिए कि वो नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और जिसके घर में शराब का बोतल पकड़ाएगा उसको जेल भेजो। तो इनके राज्य में जिस जगह के मुख्यमंत्री हैं उनके राज्य में शराब पीकर बोतल पकड़ाता है विधानसभा तक, तो इसके जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री। तो जब मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं तो जेल तो इनको होना चाहिए, FIR इन पर होना चाहिए कि नहीं होना है कि उनके ऊपर FIR हो जाएगा। आप अगर एक बोतल दारू के साथ पकड़े जाएंगे आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे। विधानसभा में दारू का बोतल पकड़ा जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होता है। विधानसभा में दारू का बोतल पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था कुछ दिन पहले? जांच हुआ क्या? जांच हुआ क्या? क्यों नहीं जांच हुआ? नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार जी घमंडी मुख्यमंत्री हैं। इतना विपक्ष कमजोर पूरे देश में है, उतना ही विपक्ष कमजोर बिहार में है। सबसे बड़ा कारण ये है तो यहाँ तो सत्ता के लोभ में लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। अरे आपू तो नीतीश कुमार को साथ दिए थे अभी कुछ दिन पहले तक, क्या बात कीजिएगा आप? अरे हम साथ दिया था जब आपकी नीयत बहुत अच्छा थे, उस समय रामायण पढ़ते थे, आपकी नीयत ठीक थी। उस समय भी 4 गो पार्टी बदल दिए थे, 4 पार्टी बदल दिए थे, लेकिन आप कसम सुनिए बदल दिए थे जरूर, लेकिन उस समय जो अभी आज नहीं बिहार के लिए कोई नहीं सोच रहा है, बिहार मरे जिंदा रहे कोई नहीं, सबको अपना अपना मंत्रिमंडल अपना अपना कुर्सी चाहिए। 2 महीना पहले तक आप नीतीश कुमार का शराबबंदी का तारीफ कर रहे थे, इसके पहले मढ़ौरा में मौत हुई थी, 20 लोग मारे गए थे, उस समय आप कहाँ थे? मढ़ौरा में हमला मरा था तो हम लोग उसको बताए नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी मनीष कुमार। क्या चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं? जहरीली शराब से जो छपरा में मौत हुआ उसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जब बिहार में क्या फायदा है, जब शराब बंद है तो जहरीला शराब या शराब का मैटर या मौत आ ही कहाँ से रहा है? इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं। जब शराब बंद किया तो उसको मजबूती से लागू करवाए नीतीश जी। अच्छा, इसमें तो पहले कुछ दिन पहले तो आप लोग साथ में थे ना नीतीश कुमार जी के? अभी 18 साल वो मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से, 18 साल में से जो है 13-14 साल आप लोग खुद साथ में रहे हैं। ना तो अब हम लोग विश्वास कर लिया, फट गया है, पलटी मार रही। अभी कुर्नी में देखे ना, इनको घमंड था कि जिधर जाएंगे सरकार बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी अब आंख खोल के और कान से सुन लीजिए कि अब आप सत्ता में कभी नहीं आइएगा। क्या आप शराबबंदी हुआ है? बेरोजगारी पे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे बेरोजगार भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इंजीनियर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिस दिन बेरोजगारी का बात था उस दिन में हम लोग नीतीश जी से पूछे थे तो सारा शासन प्रशासन शराबबंदी कि बिहार में दिखा अब देश में दिखेगा। अरे आप कुर्नी में पहले दिखा लेते हैं तब देश में दिखाएगा नीतीश जी। अब 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, इसके लिए दोषी कौन है? सीधा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सीधा हम डायरेक्ट कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हैं। शराबबंदी कभी नीतीश जी जाँच कराए हैं कि वो शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं? कभी आबकारी विभाग CM आवास में छापा मारेगा वहाँ शराब है कि नहीं है? वो मारेगा क्या है? नीतीश जी के कभी मुंह में गया मशीन कि वो शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? आज रोड पे देखते हैं गरीबों के मुंह में मशीन लगता है। CM का कारकेट रोकवा के आप कभी मशीन लगाए हैं आबकारी विभाग? CM आवास में छापा मारिए 7 बजे के बाद का शराब नहीं मिलेगा, उसके बाद हम माने एक शराबबंदी है या नहीं है। नीतीश जी पलटी मारे से नहीं होगा, जनता आपको समझ गई है, कुर्नी में दिखाए हैं और पूरा देश में आप देखिएगा। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने चले हैं, कुर्सी नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री का कुर्सी बचा लीजिए। लालू जी के पीठ पे सवार हुए हैं कि हमको लालू जी कांग्रेस के सामने। नरेंद्र मोदी जी जहाँ से मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री बने वहाँ पे भी शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद है, तो वहाँ लागू होगा, मौत होगा, वहाँ पे विपक्ष कर रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले ही मौत हुआ था गुजरात में भी शराबबंदी की वजह से, यहाँ शराब की वजह से। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ नहीं कर छोड़ दे कि वहाँ मौत हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, इसका मतलब बिहार में हम लोग छोड़ दें? गुजरात का मामला हम तो उतना नेशनल आदमी नहीं है, हम लोग बिहार का बात कर रहे हैं और वो भी छपरा जिला का। नीतीश जी दारू बंद किए हैं तो दारू से मौत का है, और कितना मौत होता है बिहार में? बिहार में अभी तो ताज़ा में 75 आप लोग के माध्यम से मालूम चला, मीडिया के 75 लोग का मौत हो गया और आप कहते हैं कि शराब बंद है। कहाँ शराब बंद है? शराब बंद कहाँ है? आप दिखाइए ना। बिहार में नीतीश कुमार जी रोज ढिंडोरा पीटते हैं, बंद है बिहार में, रोज नीतीश कुमार जी रोज बोलते हैं बंद है, बंद है। हर चौक चौराहा पर मिल रहा है, हर गली में मिल रहा है। चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे। बात कैसे मानेंगे हम मुख्यमंत्री का बात माने की आपका बात है? आप तो आम आदमी है ना, आपके सुनिए आप ही बनाए हैं ना? हाँ, कौन बनाया है? हम लोग बनाए, आप ही बनाए ना। हाँ, और कितना बार बनाया है? 8 बार लगातार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बार जीत के बना अपने से नीतीश कुमार? अरे पलटी मार CM है, पलटी मार के 20 बार बन जाए। अगर अभी कुर्नी में हारे हैं, वहाँ RJD अकेले थी तो चुनाव जीती थी, और नीतीश जी अभी मिल गए और 7 पार्टी मिल के हारी है। नीतीश जी के गांजा पीले रहते हैं का नहीं बुझा रहा है कि हार रहे हैं? बिहार में दिखा, देश में दिखेगा। अरे कुर्नी में आपका दिखा है, अभी तिलमिला के विधानसभा में अरे तरह पे उतर गए हैं, अभी मेंटली डिस्टर्ब होंगे। मनीष जी आप विश्वास रखिए, अगर नीतीश जी 6 महीना मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुए तो बोलिएगा कि कोई बोला था RLJP का नेता लगेगा। अति पिछड़ा और दलित जैसे कि मरा है, वो तो कहते हैं। सुनिए ना नीतीश को मुआवजा भी नहीं दे रहा। नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि हम अति पिछड़ा और दलितों के लिए काम कर रहे हैं, बोल रहा है कि उसको सारा गलत है, सारा गलत काम है, सब गलत है। जो जो मरा है सर उसका बच्चा देखे होंगे आप लोग भी न्यूज चैनल में, छोटा छोटा बच्चा है उसका, जैसे की पत्नी जैसे की आप बच्चा को कैसे पोस पास करेगी? हाँ, ये है सच्चाई, ये है कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर शराब के वजह से बिहार में मौत हो रही है और शराब बिहार में बंद है तो उसके लिए कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम और सरकार दोषी है। मनीष भैया शराब पीकर अगर कोई बच्चा बिना दारू पिए कोई के हिला के दिखा दे नीतीश कुमार, जो जैसे कि पोस्टमार्टम करता है बिना दारू पिए नीतीश कुमार, उसे ऑपरेशन करवा के दिखा दे दारू नहीं बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है। नीतीश कुमार जान रहा है, अच्छी शराब बंद करके नकली शराब जहर पिलवा रहे हैं, गरीबों की हत्या कर रहे हैं। और जैसे बहुत बड़ी बात बोले हैं ये कि सरकारी अस्पताल में कहीं भी आप चले जाइए, वहाँ पे पोस्टमार्टम रूम के बगल में दारू फेंका हुआ होता है। और मैं गोपालगंज में गया था, वहाँ पे फेंका हुआ था। ये बात सत्य है। जो लोग जो है गटर में जाते हैं, गंदगी जो है, स्मेल जो है उसका बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो लोग जो है दारू पी के उतरते हैं। या तो आप इस चीज को उतना आधुनिक कर दीजिए ताकि जो है मशीन से आपका गटर साफ हो जाए। बिहार को जो है कतर और कुवैत जैसा बना दीजिए सक्षम, ताकि जो है दारू के रेवेन्यू की जरूरत ना पड़े, सब लोगों को रोजगार मिल जाए। और वरना अगर शराब बंद की है तो पूर्ण रूप से बंद कीजिए। और अगर जहरीला शराब की वजह से मौत हो रहा है तो कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम और सरकार दोषी है। आप पूर्ण रूप से शराब बंद कर दीजिए। गुटखा बंद किया आपने, यहाँ पे आधे लोग गुटखा खाए होंगे। शराब बंद किया, शराब मिलता है। स्मैक बंद किया, स्मैक मिलता है। पोलोथीन बंद किया, पोलोथीन मिलता है। आपने दहेज बंद किया, दहेज भी चालू है। यानी आप जो चीज बंद कर रहे हैं वो कहीं नहीं तो चल रहा है। बालू बंद किया, बालू भी चल रहा है, बिकता है सबसे ज्यादा, स्मैक बिकता है पूरे। सेना जो बर्फ में ड्यूटी करता है, अगर उसको नीतीश कुमार दारू बना बंद कर देंगे तो ड्यूटी करेगा? बोलता कि प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री नीतीश जी को थकावट होता है कि नहीं तो वो खाएंगे काजू बादाम पिस्ता। नीतीश जी को थकावट होता होगा तो खाते होंगे काजू बादाम पिस्ता। और गरीब पावर पीता था अगर अच्छा शराब तो उनसे क्या दिक्कत था? उनको पिस्ता तो गरीब को नहीं मिल रहा है। आप बेरोजगारी दूर करिए कि सब लोग। शराब का हम कहीं समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर शराब बंद करना है तो पूर्ण रूप से बंद कीजिए। और अगर जहरीला शराब कोई बेच रहा है, कोई पिला रहा है, तो उसके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई कीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियर भी जो है धरना प्रदर्शन पे जो है लगे हुए हैं। तो इंजीनियर हैं आप लोग, बिहार में शराब जो है पूर्ण रूप से कैसे बंद होगा बताइए? सर ये तो इसमें जितना भी इंगेज है शराब को लेके, टोटल ऑफिसर से लेके मंत्री तक इन्वॉल्व है। ये अगर बंद करने के कितना भी कोशिश करें, जितना भी नेता है वही सबसे ज़्यादा करप्शन का काम करती है, तो पूर्णतः बंद होगा ही नहीं। चलिए, बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।